बोलो। सतीश और मैं कॉलेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा सेशनल है, काफी दिन बाद कॉलेज जाना हो रहा है, उसी की चर्चा कर रहे हैं और खूब मस्ती करते हुए हम कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सतीश आज बहुत ज़्यादा खुश था, कॉलेज जा रहे हैं और आज सेशनल भी है और हम लोग मस्ती करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आज की राइडिंग बड़ी ही यादगार थी क्योंकि मौसम भी अच्छा था और खूब मस्ती करते हुए हम कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे। कॉलेज की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, आसपास का माहौल आप देख सकते हैं, साइड में इतने ज़्यादा पेड़ है, पहाड़ है, ये सब इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, बस देखने का मन करता है और इसको महसूस करने का मन करता है। अपने कॉलेज जाते टाइम रास्ते में ही पड़ता है हमारा सेंटर, जहाँ पे हम लोग फाइनल एग्ज़ाम देने आते हैं। अपने कॉलेज का सेंटर इसी कॉलेज में पड़ता है, इस कॉलेज का नाम है BTIIT। गाड़ी अच्छी चल रही है, ज़्यादा आवाज़ वाज नहीं कर रही। देखो रोड नहीं बन गई अभी, तुम पहली बार आ रहे हो ना पेपर देने के बाद, तुम्हें हम नज़ारा दिखाते हैं यार अपने कॉलेज का, तो कैसा लग रहा है तुमको बताइए गाइस। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगना चाहिए। नई रोड बनी, कितने आप लोग गाइस देखे होंगे कितनी खराब थी रोड, अब देखिए कि नज़ारा ही हमारे कॉलेज का बदल गया है। मीन्स हमारा कॉलेज अब डेवलप कर रहा है। सो अभी हम आपको अपने कॉलेज का एक बहुत बड़ा जो हुआ है उसको दिखाते हैं, जिससे हमारा कॉलेज में आने का मन करेगा और वहाँ पे हम लोग आपको डेली ब्लॉग बना के दिखाएंगे। इतना अच्छा लगता है हम लोग को वहाँ पे आने के बाद। तो देखिए कॉलेज का हमारे ग्राउंड को आपको दिखाते हैं, बस आपका सब्र। अरे कितना गेयर छुट ही नहीं रहा यार, ये छुट रहे। ए भाई भाई डर लगता है हमको गाड़ी चलाने, एक नंबर हो गया यार। तो आप सब जैसा देख सकते हैं गाइस, एक नंबर। और भैया क्या हाल है? ये हमारे साहू भैया हैं यार, राम राम भैया जी, जान दे जान दे जान दे। कॉलेज तो एक नंबर बना दिया, कितना गेयर लगा है बे। अभी सीटों से क्या होगा, ले आओ नंबर वाले यार। नहीं हम लोग तो आए थे, नहीं यार कुणाल तो तब से किसी का भी आ रहे, नहीं तब तो आए थे आप पांच दिन में इधर आए हो। अच्छा कॉलेज भी आए हो? कॉलेज भी आए पांच दिन में, जब बंद रहा था तब आए थे? नहीं आए हैं। काम बढ़िया चल रहा है कॉलेज में, बनते हुए देखे हैं प्रियांशु क्या इसको पूरा ऐसे एकदम एक तरह से बनते हुए देखे हैं? ये डेली आते थे मैच खेलने? नहीं ग्राउंड एक नंबर हो गया भाई, कब खुदाई हुई कब क्या हुआ? यही होगा क्या एग्जाम? और छोटे भाई प्रियांशु वीडियो बना रहे हैं भाई, सुनो तो हमारे पास पेन नहीं है, तो हम पांच वाले पेन अलग ले आए बैग में। अभी अभी जानते ना हम यहाँ पर मार लेंगे। अच्छे आलू पराठे भी उसको वहाँ पर आते हैं, लस्सी लस्सी तक मैं समझ पाया। अरे ये किसका विला बना लिया सी हम? अब इधर है। अच्छा उधर नर्सिंग का चल रहा है क्या? हम तो पार जाते हैं, उधर नर्सिंग चल रही है क्या? वो क्या बन रहा है अभी? अपना थोड़ी है। अच्छा यहीं फेंके थे का मकान? अबे कहीं नहीं थे, ऐसे एक आदमी ने पकड़ा दे तो पूरी फैकल्टी रह गई थी उधर। हां तभी तो उस दिन तुम्हारा नसीब देखो कितने। तो इधर फैकल्टी क्या कर रहे थे? इधर पे बैग फेंके, नीचे फैकल्टी खड़ी थी। ए हमें लगो कीजिए फेंक रहा है बड्डे, हमें लग रहा जब तुम्हारे आधिपत्य में है कॉलेज तो सेंटिंग को काम इनको पक्को हो जाए, मेडिकल विभाग इनको दे रही है जब जब डोपा में निकलता है ना तब प्यार बढ़ता है। कहाँ जाना है पागल का यार? चल रहे तू चाबी हमारे पास, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं, जब तक वो काम इतने यहाँ तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक आप नहीं जा सकते, समझ गया ना? पैदल तो पैदल पैदल ही कर जाए, पेपर दे दे भाई, सही कहते हैं। हाँ पक्का पक्का। देखा क्लासिफिकेशन हम न्यूट्रासिकल किसको लिखना है बताओ? हम के नाम तीन प्रकार के होते हैं, फंक्शनल फूड्स, फंक्शनल बेवरेज और डाइट्री कंपोनेंट। डाइट्री कंपोनेंट, डाइट्री कंपोनेंट में थका थका हो, विटामिन, एंजाइम,
और मेरे दिन का होता हो अरे चल कहा पुष्पेंद्र कुछ बोलोगे नहीं न तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं लग रहा यार कौन को अरे हमारा पता करो ना भाई नहीं वो नहीं आया एग्जाम खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट आ गए डॉक्टर हरीश सिंह यूनिवर्सिटी जो कि सागर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये जो आप देख रहे हो ये डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी ही है। ये पूरी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे। दोस्त ने अभी नई बाइक ली है R15 तो उसी से फ़ोटोशूट वगैरह करानी है। ठीक है पता नहीं आ भी गई आ भी सकती है कि नहीं गई कहाँ लग गए ले गए भाई साहब अब आओ भाई हेलो हम लोग एक घंटे चला नहीं पाए क्या तो ये भाई थक गए चाय ले रहे हो कॉफी क्या पिला रहे हो कब कर रहा है वो नहीं मॉर्निंग वाली बात बोलने के लिए बोल रहे थे अगली बार आएगा तो ये पिलाएगा और ज्यादा दिक्कत घर पे रूम पे आ चुके हैं अपने मोटू वगैरह फोटो शूट कराए एग्जाम था आज हमारा सेशनल एग्जाम अच्छे से सब कंप्लीट हो गया और अब कल एग्जाम है ठीक है तो ये ब्लॉग यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।